सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचरस आशीष। और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद मैं और करण निकल पड़े पंच बद्री में से एक, युग ध्यान बद्री की तरफ। तो अब और हम दोनों निकल जाएंगे ध्यान बद्री के लिए, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। सो वो चलते हैं, तब तक मैं अपने कैमरे को चार्ज पे लगाता हूँ। वापस जाते हुए हमें दिखा उर्गम गांव पूरा का पूरा, और फिर हम एक दुकान में रुक गए जहां पर एक अंकल जी ने हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। अंकल जी की दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मंदिर का सारा सामान और वैसे चाय वगैरह, और इनका अपना होम स्टे भी है। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश चंद्र है। मैं ग्राम उर्गम का रहने वाला हूँ। मेरी इस समय 64 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ की गाथा जो है कि ये उर्वा ऋषि के नाम से ये उर्गम गांव प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे जो है कि पांडव, जब महाभारत हुआ था तो पांडव मोक्ष के लिए जो है कि भगवान शंकर को ढूंढने के लिए आए कि कहाँ हमको मोक्ष मिलेगा। तो पांडव कुरुक्षेत्र से जो है कि वो ये पहाड़ पे स्वर्ग के लिए आए। तो स्वर्ग यही स्वर्ग है जहाँ से पहाड़ शुरू हो शुरू हो जाता है, जाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ में भोलेनाथ रहते थे ये अच्छा, कैलाश में। तो वो जो है कि पहले केदारनाथ आए पांडव, तो वहाँ उनको भोलेनाथ नहीं मिले। उसके बाद वो मद महेश्वर गए, वहाँ भी नहीं मिले। उसके बाद वो वहाँ आए तुंगनाथ आए, वहाँ भी नहीं मिले। उसके बाद रुद्रनाथ आए, वहाँ भी नहीं मिले। लास्ट में भोलेनाथ कल्पेश्वर में जो है कि कल्पेश्वर तो अब नाम पड़ा। इसका नाम जो ओरिजिनल है वो कल्पनाथ है, माने कल्पना, कल्पों से यहाँ पे भोलेनाथ तपस्या करते थे, ठीक यही है। उनका स्थान था। तो वो पांडव लोग जब भोलेनाथ के पास आए, उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हमने जो है कि अपने भाई को मारा, चाचा मारे, ताऊ मारे, हमारे ऊपर बहुत हत्या लगी है। हम जो है कि इस देह से बहुत परेशान है, हम इस काया को छोड़ना चाहते हैं, पर आप हमको मोक्ष बता दीजिए। हमको मोक्ष कहाँ होगा, कैसे होगा? तो भोलेनाथ ने बोला कि हे पांडव, आप जो है कि ध्यान बद्री में चले जाओ। यहाँ पंच बद्री पंच केदार दोनों है। हाँ जी, पंच हाँ, बद्री में ध्यान बद्री है, पंच केदार में कल्पेश्वर है। कल्पेश्वर है। बोला कि ध्यान बद्री में जो है कि विष्णु भगवान जी तप कर रहे हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी भोलेनाथ को बड़ा मानते थे और भोलेनाथ विष्णु भगवान को बड़ा मानते थे। ये आपस आपस में दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते मानते थे। हैं थे। तो तब जा करके पांडव लोग कल्पेश्वर महादेव के पास से ध्यान बद्री में आए। ठीक, तो भगवान विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने पांडवों ने विष्णु भगवान की तपस्या की। पूछा विष्णु भगवान ने कि हे पांडव, तुम क्या चाहते हैं? बोले कि प्रभु, हम मोक्ष चाहते हैं। हमको जो है कि आप मोक्ष दे दीजिए, हमको अपनी काया से बहुत घृणा है। हाँ, तब वो विष्णु भगवान जी बोले कि आप ऐसा करिए, बद्रीनाथ चले जाइए। वहां बद्रीनाथ। से पहले जो है कि भीम चलाते हो जाएंगे मोक्ष, वैसे लक्ष्मी बन होते हुए आप लास्ट जो है कि स्वर्ग रोहिणी जो है युधिष्ठ जाएंगे। आपके साथ जो है कि स्वांग आ जाएगा, स्वांग। आपको जो है कि रास्ता दिखाने के लिए। हाँ आप चिंता मत करो, लास्ट में स्वर्ग पे जो है युधिष्ठ महाराज पहुंचेंगे। तो यहाँ पे फिर फूल नारायण जी है, हाँ जो कि कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। हाँ यहाँ पे जो है कि गांव के लोग, अच्छा जी, ये फूल नारायण मंदिर यहाँ से ऊपर की तरफ कह रहे हो आप, है? हाँ वो ऊपर देखेंगे आप, फूल नारायण जी का मंदिर बिल्कुल टॉप पे है। वो धारा है, हाँ उस जी, धारा पे जो है कि अभी भी परियां जो है कि स्नान करते दिखाई देती है। पर यह हाँ, आचरी कहते जिन्हें, आचरी कहते हैं जिसको। जी तो वो जो धारा है ना, हाँ जी, तो उस पर ठीक 10 बजे के टाइम पे जो है कि आचरी जो है कि ना यहाँ से देखते हैं कि जो व्हाइट कपड़े पहने हुए जो है कि वो आंचरी जो है कि स्नान करती है। यहाँ ठीक से है। अभी भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि ये देवभूमि है। हाँ जी, देवभूमि उत्तराखंड। तो ये ये जो है देखिए, कि 1 महीने के लिए जून में खुलता है, एक सिर्फ महीने के लिए, जून एक के लिए खुलता है जून में फूल खुलता नारायण है मंदिर। फूल नारायण मंदिर। जी तो यहाँ जो है कि गांव के प्रति साल एक परिवार जो है कि वो वहाँ उस करता है, बारी पूजा लगती, करता है, पूजा करता, उनकी बारी बारी लगती। लगी रहती है। हाँ जी, तो अपनी गाय जो है दूध के लिए, और लड़की अंडर एज जो 10 साल के अंदर हो, हाँ उसको जो है कि वहाँ फूल चुगने के लिए, माला बनाने के लिए वो हाँ पूजा करती है। तो जो है 1 महीने के लिए खुलता है। हाँ फिर दूसरे में यहाँ बंसी नारायण मंदिर बंसी है, नारायण मंदिर यहाँ ही। से 13 किलोमीटर है उर्गम से। हाँ जी, तो अगर कोई जाना चाहता है तो एक ही दिन में वापस भी हो जाता है, हाँ नहीं तो वहाँ रुक जाता है, अपना टेंट वगैरह ले लेके जाकर के। जा रहे। गुफा भी है, हाँ तो वो केवल 1 दिन के लिए खुलता है, रक्षाबंधन के दिन। वहाँ अच्छा, पे रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा मेला मेला लगता है, लगता है। बहुत। तो ये यहाँ की गाथा है। धन्यवाद।
हमसे जो भी गलती हुई होगी आप क्षमा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कहानी बताने के लिए हमारे यहाँ की। अब हम यहाँ से जाएंगे ध्यान बद्री मंदिर, जो कि पंचबद्री में से एक मंदिर है। तो एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, इससे पहले हम पांडुकेश्वर गए थे, वहाँ पे योग बद्री मंदिर था और पंचबद्री में से एक था वो, और यहाँ पे है ध्यान बद्री मंदिर। तो यहाँ पर पंचबद्री में से दूसरा मंदिर हो गया। बाकी ऐसे ही नज़दीक ही हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर के एरिया में ही आपको बाकी 3 बद्री मंदिर और हैं। वैसे 7 बद्री हैं, सप्त बद्री पर ओरिजिनल जो मंदिर है वो 5 बद्री। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बताने के लिए, धन्यवाद। आप आपका होम स्टे का नाम बता दीजिए। आप हमारा होम स्टे का नाम श्री राम होम स्टे है। हाँ जी। इसको जो है चेरपी वैली व्यू भी कहा जाता है, जो कि नोटन मैप वालों ने इसका नाम रखा है। अच्छा। हमारा ऑनलाइन बुक हो जाता है, एयरबीएनबी द्वारा भी हमारा बुकिंग होता है। हाँ जी। तो हमारे पास वो मड हाउस भी है। हाँ जी। माने जिसको अगर ज्यादा पुराना घर पसंद हो। हाँ। तो वो जो है कि पुराने घर में रहता है, ज्यादा करके लोग पुराना घर पसंद करते हैं, उसमें रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा गाँव के जो पुराने घर होते हैं, पठाल वाले मिट्टी वाला हाउस बोलते हैं। हाँ जी। तो वो तो भी आपके हमारे पास उपलब्ध है। उपलब्ध है जिसको जो मैंने अटैच वाला चाहिए तो अटैच वाला है, कॉमन वाला चाहिए तो वो भी है। हाँ। तो मैंने सारे कमरे उपलब्ध हैं, 7-8 कमरे हैं हमारे पास। ये है इनका दुकान है एक छोटी सी। आप अगर उर्गम आएंगे तो स्टार्टिंग ही विलेज के स्टार्टिंग में ही आपको योग ध्यान बद्री मंदिर है उसके नजदीक ही है, मतलब रोड पे ही है इनके। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे, और जहाँ से हमारा होम स्टे का भी था, और यहाँ से है ये रास्ता। एक रास्ता यहाँ से जाता है और एक रास्ता पीछे से है, और वहाँ जाके वो पॉइंट पे है हमारा ध्यान बद्री मंदिर। चलेंगे अब यहाँ से ऊपर की तरफ। कर्नल और मैं जा रहे हैं ऊपर ध्यान बद्री मंदिर के लिए, गांव के रास्ते से होते हुए। पुराने तिवारी मकान पुराने, और ये गली के बीच निकलते हुए ध्यान बद्री मंदिर के लिए। कहीं ना कहीं इन तिवारियों को देखकर, इन इस गांव को देखकर मुझे अपने गांव की याद आ जाती है, और बहुत ही बुरा लगता है जब हम वापस पहाड़ से शहर में आ जाते हैं दिल्ली में, और इन पहाड़ को छोड़कर। बट ये पहाड़ हमेशा हमें ज़िंदा रहता है और हमें याद दिलाता है कि हमें वहाँ वापस जाना है। दिखने लगेगा, यही बात है, हम पहाड़ और पहाड़ के बीच से होकर जाना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 500 मीटर भी नहीं है, आई थिंक आधा किलोमीटर भी नहीं है, 300-400 मीटर का रूट है गांव से होते हुए, और आपको मिल जाएगा ध्यान बद्री मंदिर का। आपको वो दिख जाएगी शिला दूर से, मैं आपको दिखा दूँ। ये है ध्यान बद्री मंदिर सामने, चलता है। बहुत ही पुराना मंदिर, जो कि पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है, पंचबद्री में से एक मंदिर है ये ध्यान बद्री मंदिर। देखिए ये श्री ध्यान बद्री मंदिर उर्गम। चल नीचे, और ये देखिए आपका पुराना मंदिर, गर्भागृह और मेन कक्ष बंद है यार अभी। तो हम आ गए हैं ध्यान बद्री मंदिर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और क्लियरली आपको दिखा दूँ तो इसका गर्भागृह, और पीछे आप देख सकते हैं पीछे का हिस्सा गर्भागृह है, और मेन हिस्सा जो आगे का है, और यहाँ से द्रोणागिरी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से वापस गोपेश्वर के लिए। वो देखिए द्रोणागिरी दिख रहा है यहाँ से, और ये पूरा उर्गम गाँव। पीछे एक शायद छोटा सा मंदिर होगा पुराना तरी जो बनाया हुआ होगा, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, ये शिव जी का छोटा सा मंदिर बना रखा है यहाँ पे, आप अंदर देख सकते हैं। और ये है
मंदिर शिव जी का यहाँ पे ध्यान बद्री में। तो ये है ध्यान बद्री मंदिर। आजा तो ये है अंदर का मंदिर, पीछे चले बिल्कुल। तो ये है ध्यान बद्री मंदिर। अभी बंद था तो हम थोड़ा सा गेट खोल के अंदर आते हैं और हम अपनी चीज़ें यहाँ रखेंगे। अभी अंदर तो चढ़ावा नहीं हो पाएगा पर देखते हैं। चलिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे ॐ भवामि सरितं नमामि ॐ। भगवान विष्णु जी की पूजा करनी थोड़ी सी दूर है पर हम उनके दर्शन ले लिए हैं, अंदर दिख गया हमको। और नीचे यहाँ पर भगवान विष्णु जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और भगवान कृष्ण की भी मूर्ति है। यह है आपका ध्यान बद्री मंदिर, यहाँ ज़रूर आए और दर्शन लें। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म में वो मिलेंगे, जैसे फूल नारायण बताया था उन भाई साहब ने, बंसी नारायण हो गए और ध्यान बद्री मंदिर। तो 3 से 4 ऐसे भगवान विष्णु के टेम्पल हैं यहाँ पे। वो अब यहाँ से जाते हुए हम तो ये आ गए हम ध्यान बद्री जी के, हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, मतलब मन बहुत ही मतलब अलग ही दुनिया में चला गया वो देख के। बहुत ही सुंदर गांव है उर्गम, आप ज़रूर आएँ। ये उर्गम वैली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे यहाँ पर और 2-3 ट्रैक करेंगे आप, आपको बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं ध्यान बद्री मंदिर और ऊपर तक यहाँ 12 गाँव हैं टोटल। बहुत ही सुंदर है और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा यहाँ पर। मैं ज़रूर यहाँ दूसरी बार आऊँगा क्योंकि इन्होंने अब मुझे बताया यहाँ पे बंसी नारायण और फूल नारायण मंदिर है, तो मैं अगली मई जून में ज़रूर आऊँगा उर्गम में। होप तब तक यहाँ की रोड और अच्छी हो जाए ताकि मैं अपनी छोटी कार भी ला सकूँ। सो ये देखिए, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान, हरे कृष्ण। सो ये है भगवान ध्यान बद्री का मंदिर जो हमने विज़िट कर लिया, आप ज़रूर आएँ, बहुत ही नज़दीक है। Let's go। करण और मेरा ध्यान बद्री और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं और अब हम चलेंगे वापस गोपेश्वर के लिए जहाँ पर हम गोपीनाथ मंदिर विजिट करेंगे। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था यहाँ गाँव से होते हुए और होम स्टे का, साथ में इतनी सुंदर कल्प नदी, कल्पेश्वर नदी, कल्पनाथ मंदिर वगैरह। हाँ वापस आ गए मेन रोड पे। करण और मैं बैठ गए गाड़ी में, अब यहाँ से जाएंगे नीचे हेलांग और हेलांग से जाएंगे नीचे आपके गोपेश्वर टाउन। लेट्स गो और लास्ट व्यू ले लीजिए आप उर्गम घाटी का। मेरे पीछे मेरी गाड़ी के ऊपर देख लीजिए, हर हर महादेव बोलते हुए चलेंगे अब हम गोपीनाथ मंदिर। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है ध्यान बद्री और कल्पेश्वर महादेव और उर्गम घाटी। सो बने रहिए फॉर मोर कंटेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।